हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर तक पहुंच चुके हैं। अब जो पोटेंशियोमीटर टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो इस पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पोटेंशियोमीटर का डायग्राम देख लिया था, इसका प्रिंसिपल देख लिया था जो कि वी प्रोपोर्शनल टू एल आया करता था कि एज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द पोटेंशियल ड्रॉप विल आल्सो इंक्रीजेस, ऐसा कुछ देखा था। आज हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, तो एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका यूज क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, और आपके यहाँ प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th में, अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो कंपैरिजन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, अब हम दो ईएमएफ कोई हमारे पास दो सेल होंगे, कोई भी दो सेल हो सकते हैं, हमारे पास दो सेल हैं, उन दो सेल की ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, मतलब हमें दो सेल की ईएमएफ का कंपेरिजन करना है, उनका रेशियो निकालना है, उनके उनके ईएमएफ का रेशियो निकालना है सेल से। तो इसका डायग्राम तो ये समझो, पहले सबसे पहले हमारे पास एक फोर वायर पोटेंशियोमीटर है, कौन सा वायर, फोर वायर पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये वाला हिस्सा इनिशियल एंड है और ये फाइनल एंड है। इनिशियल पे कितना, 0 सेंटीमीटर, 100 200 300 400, तो कुल मिला के 100 200 300 400 फोर वायर पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया यहाँ और एक हमने एमीटर लगाया यहाँ, क्लियर। इसका सर्किट डायग्राम देखो, ये वाला हिस्सा तो हर जगह सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें कंपेयर करना है, दो सेल है हमारे पास, मान लो एक सेल हमारे पास ईवन है, हमें नहीं पता कि इसका वोल्टेज कितना है, हमें नहीं पता कि क्या इसका ईएमएफ है। हमारे पास एक सेल ई2 है, हमें नहीं पता कि सेल ई2 का ईएमएफ कितना है, हमें नहीं पता। तो हमारे पास दो सेल हैं ई1 और ई2, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता कि इनके ईएमएफ क्या है। हमको पता करना है E1/E2, हमें E1 और E2 का कंपैरिजन करना है, उनका रेशियो पता करना है। तरीका देखो, इस E1 का एक टर्मिनल 1 है, इस E2 का टर्मिनल नंबर 2 है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से ये जो वायर निकाल के लाया मैं, ये शंट वायर है, क्या है, शंट वायर है। अब सोचो, अगर मैं ये फर्स्ट वाले टर्मिनल को 3 वाले से जोड़ दूं, फर्स्ट वाले टर्मिनल को 3 वाले थर्ड वाले टर्मिनल से जोड़ दूं, ऐसे टाइम में पूरे सर्किट में ईवन सेल काम कर रहा होगा। अगर मैं इसको तोड़कर, अगर मैं फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से जोड़ दूं, तो पूरे सर्किट में कौन सा सेल काम कर रहा है, पूरे सर्किट में ईवन सेल काम कर रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, और मैं इस सेकेंड वाले से जोड़ दूं, तो पूरे सर्किट में सेकेंड वाला सेल काम कर रहा है, E2 काम कर रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बार सेल E1 को लूंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा, एक बार सेल E2 को लूंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा। उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर मान लो मेरे पास कोई वायर है, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है, किसी वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है और वायर की लेंथ L1 है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, XL1, नहीं आई। अगर किसी वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है और उस वायर की लेंथ L1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, XL1, पक्का। तो सोच के देखो, मान लिया कि जो ये वायर लिया मैंने, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है, मैंने सबसे पहले ईवन सेल को कॉन्टिन्यूटी में लाया, जब इवन सेल को कंटिन्यूटी में लाया, तो देखा क्या, जब शंट वायर है, एम पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट देता है, एम पॉइंट पर कैसा पॉइंट देता है, बैलेंस पॉइंट देता है। मान लिया पूरे सर्किट में करंट तो इस कांस्टेंट चलती है आई, तो पहली सिचुएशन में मैं इवन को क्या लिखूंगा, इवन इक्वल टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, आज V की जगह कौन हो गया EMF, इवन, I की जगह कौन हो गया I, R का मतलब क्या, रेजिस्टेंस। मान लो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, L1, पहले केस के लिए, पहले वाले सेल की लेंथ पॉइंट कितने पे मिला, L1 पे, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है X, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, XL1, तो IXL1 है, तो ये ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, XL1, X यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, L1 आया टोटल लेंथ, XL1। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस वाले को हटाया, मैंने यहां पे जोड़ दिया। अब E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो सेम रहेगी, X L2
मान लो ये जो नल पॉइंट था, ये नल पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, ये नल पॉइंट खिसक कर यहाँ आ गया, तो पूरी लेंथ कितनी मानी गई इस बार, एल टू। तो ई टू इक्वल टू कितना हो गया, आई एक्स एल टू, डिवाइड कर दो आ चुका है। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा देखो कितना आएगा, ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू आई एक्स एल वन अपॉन आई एक्स एल टू, इससे कैंसिल। तो अल्टीमेटली हमको देखो क्या मिल गया, ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पोटेंशियोमीटर है तो उसकी सेल का जो रेशियो होता है, सेल के ई वन का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आता है, तो कह दोगे उस सेल का जो ई वन का रेशियो आता है वो हमेशा उस लेंथ के रेशियो के बराबर पाया जाता है जहाँ पे दोनों सेल की वजह से जो हमें नल पॉइंट मिल रहा था उनकी दूरी सेंटर से जो पाई जाती है, मतलब इनिशियल पोजिशन से जो पाई जाती है। तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू कितना, एल वन अपॉन एल टू। मान लो पहले वाले की वजह से लेंथ हाई, मान लो पहले वाले की वजह से लेंथ हाई 115 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की वजह से जो लेंथ हाई मान लो वो आई 100 सेंटीमीटर, कितनी आई 100 सेंटीमीटर। तो भाई ई वन अपॉन ई टू कितना होगा, ई वन अपॉन ई टू कितना होगा, 115 अपॉन कितना हो गया 100, दो जीरो हटाया ये लगाया 1.15 अपॉन 1। ये सॉल्व भी कर सकते थे, सॉल्व भी कर दो इसको, हमें रेशियो निकालना है ना, क्वांटम नहीं छोड़ना है। 115 अपॉन 100, 5 टू जा और 5 कितना हुआ, 5 3 जा और 5 20 जा, क्लियर हो गई। तो 23 अपॉन 20 इसका जो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू कितना होता है, एल वन अपॉन एल टू। ये हमारे कंपेयरिंग ऑफ ए वन अपॉन टू सेल्स का एक पहला एप्लीकेशन हो गया। इसमें मेन चीज होता है इसके न्यूमेरिकल्स को सीखना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी दूसरी जो एप्लीकेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसको आप नोट करो।